viewers, I am Dipti Periwal, Assistant Professor of Finance from Dr. V. N. Bedekar Institute of Management Studies. Today, I'm going to talk to you about an upcoming IPO. The company's name is Happiest Mind. First, let me ask you, are you in a dilemma ki hame is company mein invest karna chahiye ya nahi karna chahiye? Well, मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगी कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको खुद डिसाइड करना है। बट मैं आज कुछ आपको वैल्यूएबल इनसाइट्स इस कंपनी के बारे में बताऊंगी, राइट? तो अगर आपको किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना हो तो हमें 6 पॉइंट्स हमेशा याद रखने चाहिए, और वो कौन से 6 हैं आपकी स्क्रीन पर है। वो फर्स्ट वाला, बिजनेस। कंपनी का बिजनेस क्या है, उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स क्या है, बिजनेस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड क्या है मार्केट में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आप उस कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में ज़रूर जान लीजिए, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या आपने उनके बारे में सुना है, अगर नहीं सुना है तो वो कौन है, उनकी पास्ट के बारे में ज़रूर पता कर लीजिएगा। थर्ड, हमें रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ने चाहिए, वी मस्ट रीड द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने से पहले सेबी के साथ फाइल करती है, तो हमें उसको बारीकी से पढ़ना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें पूरी तरह से उस पर रिलाय नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें आपको बहुत सारे इनसाइट्स मिलेंगे, जैसे कि कंपनी से कौन से जुड़े हुए रिस्क हैं, कंपनीज के पास कौन कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कंपनी जो पैसा रेज करने वाली है उस पैसे का क्या करने वाली है, इसका मतलब कि व्हाट इज़ द कंपनी गोइंग टू डू विद द प्रोसीड्स ऑफ द आईपीओ मनी। हो सकता है कि उन्हें अपने पिछले लोन्स चुकाने हो, अगर इस तरह की कोई बात मैंशनड है तो हमें जानना ज़रूरी है कि ये जो रीज़न है मे नॉट बी वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी, कि वो आईपीओ सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं ताकि वो अपने पास्ट लोन्स को रीपे कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज, आप ये ज़रूर जान लें कि लीड बुक रनर कौन है इस कंपनी का। लीड बुक रनर बेसिकली अंडरराइटर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आपके लिए रोड शोज करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि आपकी जो प्रोस्पेक्टस है या रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसकी फाइलिंग में आपको हेल्प करते हैं और आपको पूरी तरह से लिस्ट होने में हेल्प करते हैं, और आपको एज अ कंपनी रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेबी और एक्सचेंजेस को बताते हैं कि इस कंपनी की क्या अच्छाई अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनको आईपीओ के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट इज फिनेंशियल्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको कि इस कंपनी के फिनेंशियल्स कैसे हैं। अगर इस कंपनी के फिनेंशियल्स, पास्ट रिकॉर्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं तो अगेन ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कंपनी के लिए, लेकिन अगर पास्ट में इन्होंने कुछ लॉसेस किए हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन सिचुएशंस में The company has made these losses. तो वो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। Next है, आपका minimum investment कितना होगा IPO में। जैसे कि आप जानते हैं कि हर IPO में एक lot size होता है, तो आपको कितना depart करना है अपने money से, ये जाना भी बहुत ज़रूरी है। So I think we should begin analyzing Happiest Mind. Alright? So Happiest Mind is a company which was incorporated in 2011 and today it had filed up for launching up with an IPO. In the month of July, it approached SEBI, and finally in the month of August 2020, they have received a nod for launching up an IPO. Talking about this company is positioned as born digital and born agile. Happiest Mind is one of the company jiske upar aaj sabki nazar hai. Kuch hi dinon mein iska IPO launch aane wala hai, jaise ki maine aapko bataya, right? तो चलिए इसके बिजनेस के बारे में बता करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको 6 चीज़ें देखनी है कंपलसरी हर कंपनी के बारे में जब भी वो अपना आईपीओ लॉन्च करने वाला है। सबसे पहला है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अबाउट इट्स बिजनेस, राइट? तो बिजनेस के बारे में आपको बता दूँ, इसकी बिजनेस जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, सेकेंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एंड थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। शॉर्ट में आपको बताऊं इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी काम कर रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स ऑटोमेशन एंड डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशंस। यानी कि हम समझ सकते हैं कि आज की डेट में इन सब चीज़ों की कितनी डिमांड है।
हाउएवर ये अपने पियर कंपैरिजन में, यानी कि इनके साथ जो कंपनीज हैं जिनके जिनके साथ आप इनको कंपेयर कर सकते हो, उनके उनके एरिया में ये कितना बेहतर कर रही है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो भी ये इस तरह की सर्विसेज दे रही हैं ये किन इंडस्ट्रीज को दे रही हैं, तो मैं आपको बता दूँ, ये हाईटेक इंजीनियरिंग कंपनीज को दे रही हैं, R&D, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। एज ऑफ 31 मार्च 2020 की बात करें तो इनके पास 157 एक्टिव कस्टमर बेस हैं, जिसका के अगर हम एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर निकालें तो वो $614,675 इन फाइनेंशियल ईयर 2020 में गिना जाएगा, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं इनकी कंपनी के बारे में कि कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके प्रमोटर्स। तो इनके इसके जो प्रमोटर्स हैं वो मिस्टर अशोक सूता हैं, और अगर मैं इनके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो इन द पास्ट ही हैज़ बीन founding and managing director of Mindtree Limited. Also, he has been vice president of Wipro Limited. तो इनका जो नाम है वो काफ़ी अच्छी कंपनीज के साथ जुड़ा हुआ है, और इनकी जो designations, इनका जो contribution था उन कंपनीज के लिए वो भी remarkable दिखाई दे रहा है। However, like I said, that decide आपको करना है, मैं सिर्फ कुछ valuable insights आपके साथ शेयर करूँगी। Red Herring Prospectus. Red Herring Prospectus, जैसे कि मैंने आपसे कहा, is a document which is filed with SEBI. Usually ये 2 से 3 महीना एडवांस में फाइल हो जाता है SEBI के पास, और ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल भी होता है ताकि इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स इनको गो थ्रू कर सकें और डिसाइड कर सकें कि उन्हें इन पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर देखी जाती है वो ये है कि ये जो कंपनी जो मनी रेस करती है IPO के थ्रू, उस पैसे का ये क्या करने वाली है, वेयर इज़ द प्रोसीड्स ऑफ द IPO मनी गोइंग टू बी यूज्ड। तो अगर आप इनके रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनकी जो प्रोसीड्स है इज़ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, सेकेंड फॉर जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस। तो ये दो चीज़ें बताई जा रही हैं। सेकेंड चीज़ें ये भी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस कंपनी से रिलेटेड कोई ऐसे रिस्क हैं तो वो क्या होंगे, और क्या लॉन्ग टर्म सिनेरियो में ये रिस्क कंपनी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, ये भी हमें बिल्कुल पढ़ना चाहिए। सो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छे से पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता चलेगी। नेक्स्ट, इसके लीड बुक रनर कौन है? तो ये कुछ फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और फिनेंशियल एडवाइजरी फर्म्स हो सकते हैं, इन्हें एक तरह से हम अंडरराइटर कहते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा, और ये आपकी पूरी की पूरी हेल्प करते हैं आप एज अ प्रमोटर एंड सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस को कनेक्ट करने में, ताकि वो आपको और बेहतर जान सके। यूजुअली ये गारंटी लेते हैं टू सब्सक्राइब फॉर द अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स, एंड दे ऑल्सो हेल्प यू टू डेवलप फ्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर द कंपनी। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड के जो लीड रनिंग मैनेजर्स हैं वो हैं ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड और नमूरा फिनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, बिकॉज द काइंड ऑफ पीपल हु आर रेडी टू अंडरराइट एंड गारंटी द अनसब्सक्राइब शेयर्स, ओके, विल हेल्प यू टू डिसाइड कि ये कुछ अच्छे नाम इन कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। सो आपको ये जानना ज़रूरी है कि लीड बुक रनर एक पर्टिकुलर कंपनी जो IPO लाती है तो उसमें लीड बुक रनर कौन है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एनालाइजिंग द फिनेंशियल्स ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड। सो इफ आई टॉक अबाउट इट्स टोटल एसेट्स, द एसेट्स इन 2018 was 3,869 millions, which increased to 5,081.5 on 31st in March 2020, which means there is a 31% increase in the total assets. अगर हम revenue की बात करें, यानी कि sales की बात करें, जो एक बहुत ही important parameter होता है जब आप किसी भी company के financials पढ़ते हैं, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 31st March 2018 का जो रेवेन्यू था वाज 4,891.2 मिलियंस,
which has increased to 7,142.3 millions in the year 2020. That's 31st March 2020. इसका मतलब कि 46% का increase इनके total revenue में हुआ है. एक और parameter है जो बहुत important रहेगा, जो सारे businesses का ultimate goal होता है, is the profit. So let's look at the profit after tax figure. It's been negative, that is 31st March 2018 में 224.7 millions का loss था इस company को. लेकिन अगर आप अभी की scenario में देखें 31st March 2020, they are in the profit of 717.1 million का profit था इन्हें. अगर मैं year on year increment from 2019 to 2020 का देखूं, यानी कि 2019 में इनके revenues जो थे वो 142.1 billions के थे और इस साल 717.1 millions के हैं, which means that it's almost a growth of 400%. 400% revenue increase is remarkable. But आपको यहाँ पर ये भी देखना है एक्सपेक्ट क्या इससे, दैट दे वर मेकिंग अ लॉस इन 2018. तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर पास्ट में कंपनीज ने लॉसेस किए हैं तो वो क्यों और किस सिनेरियो के अंडर किए हैं, राइट? सो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू वॉच फॉर योरसेल्फ. तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या होगी? टू नो योर मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हम IPO के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं. यानी हैप्पीएस्ट माइंड IPO के प्राइस बैंड्स क्या हैं? तो अगर आप देखें, ये IPO ओपन हो रहा है 7 सितंबर 2020 और IPO क्लोज हो जाएगा 9 सितंबर 2020. यानी ये दो ही दिन के लिए सब्सक्रिप्शन खोला होगा. IPO साइज का मतलब है कि कितना अमाउंट अप्रॉक्सीमेट रेज होने वाला है. सो दिस इज अ 700 करोड़ IPO दैट एज यू कैन सी द फेस वैल्यू इज 2 पर इक्विटी शेयर्स एंड द प्राइस बैंड. सो यू आर नॉट बाइंग द IPO एट द face value, but you're going to buy it at the price band. So price band is 165 to 167 per share. Yani ek kimat ki, ek share ki kimat ya to 165 hogi ya 167 hogi. Listing jo hogi ye BSE and NSE jo ye hamare national level ke do stock exchanges hain, un par hogi. And retail proportion 35% hoga, right? And iske alawa agar aap dekhe, to lot size jo hai is minimum 90 shares and maximum is 1170. तो अगर हम minimum investment आपके लिए बात करें तो वो होगा 14,940 rupees. As per the lot size, क्योंकि आपको कुछ minimum number of shares खरीदने पड़ेंगे, तो एक lot में कितने shares हैं और एक share का price कितना है, इससे आपको पता चलता है कि आपकी minimum investment कितनी होगी, right? So ये आपको details आपके screen पे दी हुई हैं. और अल्टीमेटली आपको ओवरऑल खुद के इनसाइट्स, खुद की रिसर्च और खुद के लिए हुए डिसीजंस पे भरोसा करना है. इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इस तरह के ट्रेडिंग डिसीजंस अगर आप लेना चाहें, तो नीचे आपको एक लिंक दी हुई है, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि आप फ्री वेबिनार्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके अलावा आगे जो भी डिसीजंस लेने हैं, हमें ज़रूर बताइएगा आप हमें कि आपने ये इन्वेस्टमेंट की या नहीं की और इसका आपको कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच.